यहाँ पे गणेश भगवान हनुमान जी का रूप लिए हैं। यहाँ पे ऐसा मूर्ति, यहाँ पे भी एक यूनिक सी मूर्ति है। यहाँ पे भगवान शिव की भी है और यहाँ पे गणेश भगवान की भी, और एक और यहाँ पे बालाजी स्टाइल की मूर्ति है गणेश भगवान की। यहाँ पे घर में हम लोग छोटी मूर्तियों का पूजा करते हैं, तो यहाँ पे घर के लिए छोटी मूर्तियां भी हैं और इनका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे हम लोग लोकल मार्केट से लेते हैं उससे भी यहाँ पे का प्राइस कम है। और इन मूर्ति, ये सब मूर्ति है सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और कॉटन से भी बनती है, और कुछ मूर्ति के लिए पैरा भी यूज किया जाता है। तो ये पूरी ऑर्गेनिक मटेरियल से है सब मूर्तियां बनती है। गाइज एक मूर्ति यहाँ पे रेडी हो चुकी है और देखिए कितनी बड़ी है और कितनी सुंदर मूर्तियां। अभी तक तो हम लोग नॉर्मल साइज की, मीडियम साइज की मूर्तियां देखते हैं, लेकिन ऐसी भी मूर्तियां होती है और इससे भी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी होती है। तो ये बहुत ही सुंदर मूर्ति भी यहाँ पे बनाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां बन चुकी हैं, ये देखिए, और अभी यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है। बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियां बन चुकी है, इसमें पेंटिंग होगी यहाँ पे भी। और ये देखिए सुंदर सुंदर यहाँ पे और भी मूर्तियां हैं, और यहाँ पे भैया पेंटिंग कर रहे हैं गाइस, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पेंटिंग हो रही है। और इतनी कलरफुल मूर्ति है तो इसमें बहुत ही सारे कलर्स का यूज होता है। और देखिए कि एक छोटे से लिप्स के लिए भी बहुत इतना टाइम लगाना पड़ रहा है, तो मूर्तियाँ बहुत ही मेहनत से बनती है। ये देखिए गाइज यहाँ पे और भी बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियां हैं अलग अलग, मतलब कलर्स की, और बहुत ही रंग बिरंगी मूर्तियां हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अभी मूर्तियां रेडी भी हो गई हैं, फिर जहाँ पे ऑर्डर्स रहते हैं वहाँ पे ये सप्लाई की जाएंगी, भेज दी जाएंगी। और एक बहुत ही यूनिक मूर्ति है भगवान कृष्ण, नहीं भगवान शिव के अवतार में गणेश भगवान की मूर्ति है, ये देखिए बहुत ही नंदी बैला भी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और भैया पेंटिंग कर रहे हैं गणेश भगवान के मुकुट की, ये गोल्डन रंग से यहाँ पे पेंट कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ही चमक रहा है ये रंग और बहुत ही सुंदर दिख रहा है, लेकिन बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही आराम से करना पड़ता है गाइस। ये मूर्ति रेडी हो चुकी है, तो इसमें कलर अभी अभी हुआ है, इसमें हम लोग इसमें कपड़ा भी डाले हैं ताकि इसके इसको धूल डस्ट ना लगे, और अभी इसमें कलर हुआ है तो अभी ये सूख रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली छोटे छोटे चूहे बने हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं वहाँ, और बहुत ही अच्छा इन लोग का डिजाइन है, स्माइलिंग फेस टाइप का इन लोग का। अभी इस मूर्ति पे वर्क चल रहा है और इसका क्लीनिंग हो रहा है, मतलब बहुत ही और सुंदर मूर्ति है। देखिए ये देखिए क्लीनिंग हो रहा है अभी इसका, मतलब एक मूर्ति के पीछे बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ही तब फिनिशिंग आती है और सुंदर दिखती है मूर्ति। देखिए इससे मतलब प्लेन हो रही है मूर्ति, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। हम लोग एक और मूर्ति की दुकान में आए हैं जो कि है थनौद में, और यहाँ पे बहुत ही सारी मूर्ति की दुकान है क्योंकि ये बहुत ही फेमस स्पॉट है मूर्तियां के लिए। और यहाँ पे भी अच्छी अच्छी मूर्तियां, और यहाँ पे कुछ मूर्ति बन भी चुकी है, कुछ मूर्तियों का प्रिपरेशन चल रहा है, तो अभी देखते हैं। यहाँ पे अभी एक मिट्टी की मूर्ति बनी है, ये देखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और मतलब अभी इसमें काम भी चल रहा है। और ये जो मूर्ति है ये प्योर मिट्टी की बनती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे नेचर के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं गणेश भगवान की, और बहुत ही कलरफुल मूर्ति है, और गोल्डन कलर भी मतलब इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मूर्ति को बनाने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही मतलब मुश्किल से मूर्तियां बनती है, और बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें टेक्सचर्स भी होते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही ढेरों मूर्ति है, अभी एक मूर्ति पे काम भी चल रहा है साइड में, बहुत बड़ी अभी मूर्ति है, और अभी इस मूर्ति में भी काम चल रहा है। यहाँ पे बाजू में मोर बैठा है और यहाँ पे बाजू में भगवान बैठे हैं, बहुत ही सुंदर ये मूर्ति है ये भी। और गाइस जस्ट मैं आपको एक व्यू दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये मूर्तियों में काम चल रहा है, अभी कलर होना इनमें बाकी है, और कुछ कुछ मूर्ति और कुछ कुछ मूर्तियों में कलर भी हो गया है। यहाँ पे भैया चूहा बना रहे हैं यहाँ पे मिट्टी से, और बहुत ही मतलब मेहनत से बन रहा है ये चूहा, और बहुत ही ज्यादा इसमें टेक्सचर्स भी हैं, और धीरे धीरे देखिए कितना छोटा छोटा मिट्टी का टुकड़ा लगाना पड़ रहा है तब जाके इतना बड़ा मूर्ति बन रहा है। तो गाइज यहाँ पे कितने बड़े गणेश भगवान है, मैं अपनी मतलब बहुत देख चुका हूँ यहाँ पे गणेश भगवान, लेकिन इतने बड़े और इतने सुंदर गणेश भगवान मैंने आज तक अभी तक नहीं देखे हैं। कितने सुंदर और कितने बड़े गणेश भगवान है यहाँ पे। और इस साइड में और भी मूर्तियां हैं गणेश भगवान की सुंदर सुंदर, और इस मूर्ति में अभी काम भी चल रहा है, और यहाँ पे भी बहुत सारी मूर्ति में काम चल रहा है।
इस मूर्ति में अभी काम चल रहा है पेंटिंग पोताई का, लेकिन इसका काम बहुत सारा पूरा भी हो गया और देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। और इस मूर्ति में भी काम चल रहा है, अभी इस मूर्ति में काम स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा इसका काम बाकी है, इसके टेक्सचर्स और देने हैं, अभी मुकुट और हाथ बनाना है इसमें। तो और देखिए गाइस कितना ज्यादा मेहनत लगता है मूर्ति बनाने में। और यहाँ पे जो मूर्तियां हैं ज्यादातर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं है, मिट्टी की मूर्ति है। और हम भी जब भी शॉप में जाए तो मिट्टी की मूर्ति लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं करती है, पानी में जल्दी से घुल जाती है। और ये यूज होता है इस सब मूर्ति में, बहुत सारे यहाँ पे आर्ट मटेरियल्स है, कलर्स पेंट्स यूज होते हैं, ये पैरा भी यूज होता है, बहुत सारी और भी चीजें यूज होती है मूर्ति बनाने में। एक यूनिक मूर्ति भी हमको यहाँ पे दिखी, पीछे राम और हनुमान जी का यहाँ पे चित्र है और सामने यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति है, ये एक यूनिक मूर्ति दिखी। अभी हम लोग जितने भी मूर्ति शॉप जा रहे हैं और अभी हम लोग जितने भी मूर्ति शॉप विजिट किए हैं, अब आज तो ये थनौत गांव के मतलब रोड से लगा हुआ है, आप थनौत गांव के रोड में थोड़ा घूमेंगे, आसपास लोगों से पूछेंगे तो आपको ये मूर्ति शॉप्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको मिल जाएंगी और आप यहां से आके आराम से मूर्ति परचेज कर सकते हैं। और इन शॉप्स का रेट भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है और आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मूर्ति भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर है। जैसे हमारे इंडिया में देश विदेश में बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती है वो यहीं से जाती है, मतलब ज़्यादा यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ बाहर के लिए भी जाती है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्ट होता है। यहाँ हम लोग एक और मूर्ति की दुकान में आए हैं और यहाँ पे की जो मूर्ति है वो इतनी विशाल काय है और बहुत ही बड़ी बड़ी है और यहाँ की मूर्ति बहुत ही फेमस है और इनमें मतलब इतना ज़्यादा टेक्सचर किया जाता है कि आप देख सकते हैं मुकुट में ही कम से कम 100 हीरे टाइप का मतलब मोती जड़े होंगे मुकुट में सिर्फ, और इतनी सुंदर सुंदर और बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई जाती है। अभी यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी समुद्र मंथन की बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूर्ति भी गई है। और अब हम लोग मूर्ति का पीछे का हिस्सा नहीं देखते, मूर्ति का पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा लकड़ियों से मतलब बना रहता है कि ये लेके जाते हैं और ये मूर्ति को थोड़ा सपोर्ट भी करता है। और यहाँ पे एक भगवान शिव के साथ गणेश भगवान भी है और ये देखिए ये भी कितनी बड़ी मूर्ति है, वाव। और इसमें सजावट का काम चल रहा है, ये भगवान के मतलब फुल मतलब जो कपड़े हैं उनमें पूरी मोतियां लगाई गई हैं, देखिए कितनी सारी और बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पे गणेश भगवान हनुमान जी का रूप लिए हैं, यहाँ पे ऐसा मूर्ति बनाया गया है और यह मूर्ति भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर और 10 फीट से ऊपर की मूर्ति है और बाजू में यहाँ पे शेषनाग भी है। भगवान शिव जी का कितना सुंदर यहाँ पे शिवलिंग बना है, देखिए गाइस बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये। और यहाँ पे किस तरीके से बाहर यहाँ पे मूर्तियां जाती है ऐसे ट्रैक्टर में भर के, और मतलब मूर्तियों को सपोर्ट के लिए यहाँ नीचे में लकड़ियां भी लगाई जाती है ताकि मूर्ति हिले ना। यहाँ पे सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति है, हम लोग एक और अभी शॉप में आए हैं और यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्ति है। एक गणेश भगवान तो पूरे सिल्वर कलर में है और यहाँ पे कितन और थोड़ी यूनिक यूनिक मूर्ति हम लोग डिस्कवर कर। और यहाँ पे नटराज स्टाइल में मूर्तियाँ बनाई गई है जो की बहुत ही मतलब सुंदर दिख रही है और इसके बालों में देखिए गाइस कितना ज्यादा टेक्सचर है। यहाँ पे भी एक यूनिक सी मूर्ति है, यहाँ पे भगवान शिव की भी है और यहाँ पे गणेश भगवान की भी और पीछे कैलाश पर्वत है पूरा। और गणेश भगवान की एक और मूर्ति है, इसके पीछे शिव पार्वती है और बीच में गणेश भगवान है और ये गणेश भगवान की मूर्ति को राधे कृष्ण स्टाइल में बनाया गया है। वाह, यहाँ पे बहुत ही सुंदर मूर्ति है, भगवान बोट के ऊपर बैठे हैं और बाजू में मूषक है एज अ कैप्टन ड्राइवर और बहुत ही मतलब यूनिक कंसेप्ट है और ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अभी हम लोग इसी शॉप के दूसरे पार्ट में आए हैं, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्ति है और इसका साइज 7 to 8 feet है, ये देखिए। और गणेश भगवान महाराज बने हैं ऐसा यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, ये देखिए ये भगवान बालाजी स्टाइल में बनाई गई है ये वाली मूर्ति। तो आपको राकेश भैया मूर्ति कला के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। ये हम बनाए हुए हैं कि ये बालाजी का रूप दिए हैं गणेश जी को, इसको ना बनाने में ना बहुत तकलीफ होते हैं, बहुत वर्करों की जरूरत होता है इसमें, इसमें बनाते में महीनों लग जाता है, बनाते बनाते वर्करों की बहुत जरूरत लगता है और मटेरियल की भी बहुत जरूरत लगता है, इसमें कलर्स वलर्स की बहुत जरूरत लगता है, कलर्स कॉम्बिनेशन के लिए बहुत आवश्यकता रहता है कि कौन सा कलर क्या कैसे करना है। वर्क यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर मूर्ति और दिखी है, ऐसी और मूर्ति मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और ये स्टोन वर्क हुआ है इसमें, बहुत ही ज्यादा ये पूरे स्टोन्स लगे हैं इसमें
और इसका कलर बहुत ही अच्छा है। एक तो मेरा फेवरेट कलर से ज्यादातर ये मूर्ति बनी है, ब्लू कलर से, बहुत ही और अच्छी और सुंदर मूर्ति। और एक और मूर्ति है यहाँ पे, इस मूर्ति को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है और इसका कलर कॉम्बिनेशन एक बार आप देख लीजिए, कितना ही सुंदर है ये। देखिए हम लोग एक और शॉप में आए और यहाँ पे 8-8, 10-10 फीट की महिमा है जो कि बहुत बड़ी बड़ी। अभी यहाँ पे कलर हुआ है पेंट में मूर्ति में, तो इसीलिए इसमें कपड़ा डाला गया है। एक और यहाँ पे बालाजी स्टाइल की मूर्ति है गणेश भगवान की। अभी गाइज इस मूर्ति में काम चल रहा है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मूर्ति है, ये करीबन 10-11 फीट की मूर्ति है, 15 फीट की मूर्ति है ये। और एक और मूर्ति है, ये भी करीब करीब 12 फीट के आसपास की मूर्ति है। और यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर मूर्ति है, पीछे बालाजी है और नीचे गणेश भगवान बैठे हैं। यहाँ पे ये प्रतिमा भी 10-12 फीट के आसपास की है और ये भी बहुत ही बड़ी और सुंदर है। और शेर भी बनाया गया है यहाँ पे बाजू में, गणेश भगवान के बाजू में। अभी यहाँ पे भैया चूहों में कलर कर रहे हैं और देखिए कैसे एकदम आराम आराम से धीरे धीरे कलर होता है। और ऐसे बड़े बड़े फ्रेम में मूर्तियां ले जाई जाती हैं ताकि मूर्ति सेफ रहे और टूटे ना। ऐसे ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के मूर्तियां ले जाई जाती है, मूर्ति के हिसाब से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं ताकि मूर्ति सेफ रहे। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। यहाँ पे थनौत गांव में बहुत ही सारी मूर्ति शॉप्स हैं, आप यहाँ पे आसपास के लोगों से पूछ भी सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं और मैंने आपको कुछ कुछ शॉप्स दिखाई भी है, तो आप यहाँ पे आके मूर्ति ले सकते हैं। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।